फ्रेंड लोकल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी इनेबल कर ले ताकि आपको हमारे सारे वीडियो सबसे पहले मिले। क्या आपके स्मार्टफोन जैसे कि नोकिया 9, नोकिया एक्सप्रेस प्रो और भी कई से नोकिया फोन के बारे में लोग सुन रहे या फिर यूट्यूब पर वीडियो भी देख सकते हैं, पर दोस्तों कल एचएमई ग्लोबल ने यानी नोकिया ने उसकी आपके स्मार्टफोन के बारे में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है जिसका नाम हो सकता है नोकिया 10 या फिर नोकिया एक्स। दोस्तों हम इसे एक्स इसलिए बोल रहे कि एक्स के न्यूमेरिक नंबर है, पर इस फोन को मॉडल होगा नोकिया 10। दोस्तों चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस नोकिया 10 के बारे में उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, उसकी फीचर्स क्या, उसकी प्राइस क्या होगी और उसकी लॉन्च डेट क्या हो सकती है इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं चैनल, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और इस फोन की पेक्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों इस फोन को मिलेगा 6.5 इंच का ओलेड कर्व डिस्प्ले जो कि फुल बेजलेस होगा, यानी इस फोन में आपको कोई बेजल देने को नहीं मिलेगा, ऊपर या नीचे कोई बेजल देने को नहीं मिलेगा और इसकी डिस्प्ले क्वालिटी होगी क्वाड एचडी अल्ट्रा 4K। दोस्तों आप अभी तक जो भी फोन देखे यानी कि एप्पल एक्स बोलिए या फिर सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज बोलिए, नोट 8 बोलिए, ये सभी जो फोन है ये 2K डिस्प्ले पर चलती है, पर ये फोन जो होगा अल्ट्रा 4K डिस्प्ले होगा इसमें। दोस्तों नोकिया 10 में आपको 8GB का रैम और 256GB और 512GB दोनों वेरिएंट में देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ ड्यूल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा यानी कि दोनों बैक कैमरा देखने को मिल सकता है, एक होगा 32MP का और दूसरा भी होगा 32MP का, यानी दोनों 32MP का रियर कैमरा देखने को मिलेगा। दोस्तों इस कैमरे से आप 4K अल्ट्रा एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे एक न्यूज आ रहा है, इसका जो कैमरा होगा इसकी जो ऑप्टिकल जूम होगा वो है 10X का। दोस्तों आप सोचिए कहाँ पे है 2X या फिर 3X या 4X और कहाँ पे है 10X। दोस्तों अब देखने वाली बात यह है कि 10X जूम होता है या फिर नहीं, या फिर ये सब रूमर्स के तौर पर चल रहा है। दोस्तों इस फोन की और एक खासियत यह है कि इस फोन में आपको 5500mAh का पावरफुल बैटरी भी देखने को मिलेगा जो कि लिथियम प्रो बैटरी है। आप इससे 2 दिन तक लगातार आप फोन को यूज कर पाएंगे। दोस्तों इसमें आपको एंड्रॉइड 8.1.1 ओरियो का ऑपरेशन देने को मिलेगा। इसकी जो फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा वो है 16MP का और दूसरा भी है 8MP का, यानी बेहतरीन सेल्फी को क्लिक करने के लिए आप ये दोनों फ्रंट फेसिंग कैमरा का यूज कर पाएंगे आपकी सेल्फी को क्लिक करने के लिए। दोस्तों इसका मेन पार्ट है, इस फोन की मेन पार्ट है, इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर जो कि अभी तक मार्केट में लेटेस्ट है, क्योंकि अभी जो सैमसंग गैलेक्सी S8 है, नोट 8 है या फिर हुआ प्रो 8 है इसमें को मिलता है स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर, पर इस फोन को मिलेगा 845 का प्रोसेसर। दोस्तों इस फोन की प्राइस होगी लगभग $1,050 यानी इंडियन करेंसी में लगभग 70,000 के आसपास। दोस्तों अब देखने वाली बात यह है कि फोन कब तक लॉन्च होती है, जैसे कंपनी ने इस फोन की लॉन्च डेट के बारे में कोई भी न्यूज नहीं दिया है। दोस्तों आप मुझे कमेंट में जरूर बोलिए कि आप इस फोन को कितना जल्दी चाहते हैं इंडियन मार्केट में, या फिर आप उस फोन को कितना प्राइस में चाहते हैं, या फिर आप इस फोन को खरीदेंगे या फिर नहीं, या फिर आपको फोन पसंद है या फिर नहीं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आई है, अगर वीडियो को पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, इसे आप शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक सोशल मीडिया पे। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल में पहला बार इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन देखो उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो आपको लाऊंगा आप उसे मिस ना करें, उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और इससे देख सके। दोस्तों वीडियो देने बहुत धन्यवाद।